तृतीयपंथीयांना निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळाल्यानंतर गोव्यातही तृतीयपंथीय मतदारांची संख्या वाढत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने तृतीयपंथी गौरी सावंत यांना निवडणूक सदिच्छा दूत म्हणून नियुक्त केल्यामुळे या संख्येत भर पडेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. व्होट एक स्वतंत्र अधिकार है, तो उसके साथ साथ ये भी एक अधिकार है कि अपना जो आइडेंटिटी वो एक्सपोज करके स्वतंत्र करे. ये क्या हो रहा था? हम लोग वोट दे सके. 2004-2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांची तृतीयपंथी अशी नोंद नव्हती. 2014-च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा पुरुष आणि महिला मतदानाबरोबर तृतीयपंथी अशी रीतसर वर्गवारी करण्यात आली. त्यावेळी या तिसऱ्या वर्गात सुमारे 918 मतदारांची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर आता केलेल्या नोंदीत या आकड्यात वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे. I do totally agree. Like we are going to count as a male and we are going to count as a, I mean like we are going to vote, okay? And finally like the reward I'm asking, like if I'm going to vote as a male, I will be counting as a male. I'll be not counting as a transgender, right? Whatever the rights we have to get from the government or whatever the recognition we have to get from the government, we are not going to get on it. मतदानाच्या हक्काबाबत तृतीयपंथी सजग होत असले तरी तृतीयपंथीयांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत नसल्याने मतदान ओळखपत्र तयार करण्यात अडचणी येत असल्याची नाराजी तृतीयपंथीयांनी बोलवून दाखवली. आपका नाम? मैं सुजय देवनाथ, मैं गोवा से. मैं हम लोगों का ट्रांसजेंडर का ऑफिस है कोलकाता रिश्ता गोवा से मैं आई हूँ. हम लोगों का आज यहाँ पे वोटिंग के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब तक हम लोगों के लिए वोटिंग के बारे में नहीं सोचा है. सोसाइटी ऑल टाइम डोमिनेट करके रखी है, मगर बहुत ही अच्छे गुद्दे दिया गया है. आज के दिन हम लोग यहाँ पे आके सारे सब इकट्ठे हुए हैं और सभी मिलके हम लोग का जो अधिकार है गणतांत्रिक अधिकार, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं. किसी किसका वोटिंग कार्ड है वो दे पाएगा और जिस चीज़ का नहीं है कैसे प्रोसेसिंग करके हम लोग वोट कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बारे में समझाया जा रहा है यहाँ पे. तो हम लोग बहुत ही हैप्पी हैं, हम सब लोग अभी मिले हैं और बहुत ही सरकारी ऑफिसर भी लोग हैं और हम लोग का एनजीओ का भी बहुत कोई है. हम लोग का सारे बात हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे आके बहुत खुल के. हम लोग बहुत ही खुश है आज इसके. पहले हमें हमको खबर नहीं क्या जानो क्या खबर नहीं कि हम ट्रांसजेंडर का ही है. लोक म्हाका चायताले पयलीं मारून धाकटे आसतना, मागीर आनी घरा कडेन प्रॉब्लम जालो म्हाका, घरा कडेन प्रॉब्लम जाले म्हणून हांव घर धुवन धांवलें. तेन्नाच्यान म्हाजें इलेक्शन कार्ड चेड्याच्या नांवार आशिल्लें पयलीं, आतां म्हाका चेंज करपाक जाय एज अ ट्रांसजेंडर. ओके, आतां तुवें वोट केला तुवें बिफोर आया फस्ट टायम वोट 18-18 जेन्ना जाल्लें न्हू तेन्ना वोट केल्लें एज अ बॉय. ओके, एज अ बॉय. ओके, आनी आतां परत इलेक्शन आतां कितें मिन्स आतां इलेक्शन आसा, बट म्हाका आतां एज अ ट्रांसजेंडर म्हणून इलेक्शनार नांव जाय म्हाजें एज अ ट्रांसजेंडर, एज अ नॉट अ बॉय एंड नॉट अ गर्ल. चेंज केला तुमी आतां कितें? ना, अजून कांय करूंक ना. खंय बी गेल्यार चेंज करपाक मेळना. ते आड इलेक्शन कार्ड आहे, बर्थ सर्टिफिकेट हाड, मागीर मॅडिकल सर्टिफिकेट हाडा, सगळें तशें म्हणटा गोवर्मेंट ऑफिसर. ओके, तुमी अप्रोच केला इलेक्शन कमिशनाक? अजून आमी ना, आतां सद्या मिटींग जाला म्हणून आमकां बरें दिसता. Today we had organized here a training session for transgender voters. Training session for educating them as to what exactly happens in the polling booth. 31 such transgenders from Goa, they attended this training. We gave them actual demonstration as to what happens in the polling station. The EVMs, the role of first polling, second polling, third polling, and the actual scenario in the polling station was depicted to them through a demonstration. They have learnt it. They were very happy that for the first time such a training was organized for these voters. As per the concept of the Honorable Election Commission of India, that it should be an accessible election and all sections of the society should participate in the voting process,
So therefore, we thought of giving training to this section of the voters so that the entire, all the sections of community are participating in the election process. देखिए वोटर आया है फर्स्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गया है फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास आस्क हर नेम एंड आस्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन सीरियल नंबर 251 जोया चव्हाण Now you will write down that number. Just pretend to write down her number and her ID card number. Okay? And ask her to sign in your register. Ask her to sign in your register. Okay? After that, you give her the voter slip. And then you take put the ink. Put ink. Now you are going to PO3 and giving back. वो दे दी. अभी आप उनका इंक देखो. है? अभी बैलेट ऑन करो फिर उनको अंदर जाने. ठीक है. अभी आप अंदर आओ. उधर से ही आओ. है ठीक है. नहीं बाहर है. ओके ओके ओके. हाँ अभी आप जिसको चाहिए वोट करो. क्रॉस क्रॉस क्रॉस. फिर आप देखो कि वो ठीक तरह से जा रहे हैं कि नहीं. बटन नहीं कर दो.